तो ये सबसे पहले तो मैं मंसूरी जी आपको वेलकम करना चाहूंगा हमारे इस ऑनलाइन डेमो क्लासेस में, और मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि आपने डेमो क्लासेस के लिए हमें चूज किया। तो हम बात कर रहे हैं कोर्स के ऊपर, हमने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। हमारा सॉफ्टवेयर है एक जूम ऐप है, जिसके जरिए आप अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल फोन पे और अपने पीसी बेस को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में। इसका काम है कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को आपके कंप्यूटर पर शेयर करना और आपस में लाइव कन्वर्सेशन करना, जैसे हमारी और आपकी कन्वर्सेशन हो रही है। Okay. उसके बाद इसमें एक और फैसिलिटी है रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्ड फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं, जैसे कि आपसे भी बात हुई, आपने बोला है कि आपको जो है अपने काम को इजीली और फास्ट करने के लिए एक्सेल की जरूरत है, और जहां तक मुझे जान रहा है कि आपको एक्सेल थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा एक्सेल में आप नहीं जानते हैं, राइट सर? तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा कोर्स। हमारा जो कोर्स मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एडवांस एक्सेल कोर्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। इसकी जो कंटेंट है, ये आपकी एक कंटेंट मेरी वेबसाइट iptindia.com पे मिलेगा, ठीक है? iptindia.com जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही हमारा ये आपका पहला कोर्स है। इसकी पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ में सारे कोर्स कंटेंड है, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां आपके हमारे सारे कोर्सेज के डिटेल है कि पार्ट वन, पार्ट टू, हर एक चीज हमने बेसिक टू एडवांस दे रखा है। ये एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला है, लेकिन इसमें बेसिक टू एडवांस कवर है। बेसिक की बहुत सारे चीजें इसलिए कवर की गई है क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सेल आता है, लेकिन मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो कोई चीज एक्सेल में छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक्सेल में प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो कोई चीज आपकी एक्सेल में छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए हम हर एक चीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप पूरा है, जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्कबुक एंड वर्कशीट हैंडलिंग हो गया, एडवांस फॉर्मेटिंग एंड रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स फॉर्मेटिंग हो गया, जैसे फॉर्मेटिंग टेक्स डेट टाइम टेक्स, एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग, कंडीशन फॉर्मेटिंग, एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग, फाइल सीट सेल प्रोटेक्शंस, बेनिफिट डेटा टेबल एंड सेल स्टाइल्स, डेटा हैंडलिंग है, इसी तरह से पेज सेटिंग है, कैलकुलेशन जिसमें हम मोर देन 200 फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर एडवांस फॉर्मूले में हम आपको एरे फॉर्मूला, कॉम्प्लिकेटेड लार्ज फॉर्मूला क्रिएट करना, एडवांस नेमिंग मेथड फॉर्मूला, तो ये सब चीजें भी करेंगे आपके साथ डिस्कस, ठीक है? उसके बाद इसमें आपको डेटाबेस एंड अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी होगा कि आप एमएस एक्सेस डेटाबेस के साथ, नोटपैड के साथ, या कोई एम्बेड एप्लीकेशन, या एसक्यूएल, ओरेकल, या फाइल फोल्डर डायरेक्टरी को कैसे एक्सेस करेंगे एक्सेल में विदाउट यूजिंग द वीवीए, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन में बताएंगे कि चार्ट की क्रिएशन कैसे है, चार्ट टिक्स क्या है, बटन जो होते हैं वो बटन को चार्ट पे कैसे यूज करें, जैसे ड्रॉप डाउन बटन हुआ, लिस्ट बॉक्स हुए, चेक बॉक्स हुए, ये सब कैसे इस्तेमाल करेंगे, डायनेमिक चार्ट, चार्ट के अंदर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, और कुछ हम डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट में लाइव प्रोजेक्ट है, ये आपका ये है कि किस तरह, मैंने कि लास्ट में आपका एक रिपोर्ट दिया जाएगा, और उस रिपोर्ट की जो आप क्रिएट करेंगे, उस क्रिएट से आपका एवलुएशन किया जाएगा। इस कोर्स की एवरेज ड्यूरेशन 25 से 35 आवर है। मंडे टू फ्राइडे आपको एक, मैंने 45 मिनट से एक घंटे की क्लास मिलेगी। क्लास की ड्यूरेशन एवरेज है, माउंटेड नहीं है, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। और हमारे बैच में 1 से 3 बच्चे होते हैं, बैच भी बराबर नहीं होता है। और आप अपने हमारी इस कोर्स, हमारे इस इसमें क्लास में आप अपने ऑफिशियल प्रॉब्लम को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन जितना मर्जी पूछे, ऑफिस में कुछ काम करते समय कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप टेलीफोन पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, टेलीफोन पे नहीं समझ पाए तो आप जो है क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और टॉपिक के समझने के लिए आप एलिजिबल होगी तो मैं उसी दिन आपको समझा दूंगा, लेकिन टॉपिक कुछ ऐसा है जो कि अभी आप समझने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आगे आने वाले क्लासेस में मैं क्लास की जो हमारी एग्जांपल वाली टॉपिक होगी उस टॉपिक को हटा के आपकी वो टॉपिक ले ली जाएगी।
उसे दो बेनिफिट होगा, आपका काम हो जाएगा और हमें जो एक टॉपिक मिल जाएगा आपके साथ डिस्कस करने का। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर। अब हम टाइमिंग की बात करते हैं, तो क्लासेज हमारी मोस्टली कवर होती है मंडे टू फ्राइडे, और मंडे टू फ्राइडे में मैं मंडे को एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ इवनिंग में 9 PM 9 बजे शाम का हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है। तो 9 बजे तक आई थिंक आप ऑफिस से घर आ ही जाते होंगे। हाँ 9 बजे तो आ जाता हूँ, कोई दिक्कत। तो 9 बजे से तब जो ले सकते हैं। हाँ 9 बजे तो ले सकता हूँ, कोई दिक्कत। ओके, दूसरी चीज है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे आप YouTube पे जाएंगे और YouTube पे IPT इंडिया सर्च करेंगे जी, ठीक है, IPT इंडिया को सर्च कीजिए, चाहे IPT एक्सेल स्कूल को सर्च कीजिए, आपको जो है मेरा चैनल दिख जाएगा जिसमें तकरीबन 2000 वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, 2000 से 2200 हो गया, 94 में 2200 हो गया, मेरी चाय पॉपुलेट के साथ नहीं आया है। 2200 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। अब इसमें कुछ प्रमोशनल वीडियो है, कुछ हमारी क्लासेस की वीडियो है। क्या होता है सर कि मैं दिन में 14 क्लासेस लेता हूं, उसमें से 3-4 वीडियो लेके यूट्यूब पे मैं डाल देता हूं एज ए सैंपल। तो ये सारे वीडियोज हमारे क्लास के वीडियोज है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसको देखने से पता चलेगा कि मैं किस तरह की चीजें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समझ गए? ओके, सारे वीडियो अवेलेबल। हाँ, तो इसको देख सकते हैं। उसके बाद एनरोल करने की बात आई कि कोर्स के एनरोल कैसे करेंगे, तो एनरोल करने के लिए आप मेरी वेबसाइट ओपन करें। ओपन करते ही आपको यहाँ मेरा दिख जाएगा, एक कोर्स पे जाए जहाँ पे कोर्स आप देख रहे थे अभी, उसी में आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपका एनरोल दिस कोर्स नाउ पे आएगा। इस पे क्लिक करते ही डायरेक्ट मेरे पेमेंट पार्टनर के पास आपको ट्रांसफर कर देगा, जहां पे आप अपनी अमाउंट और अपना डिटेल वगैरह डाल के एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर इसको एनरोलमेंट में आप नहीं कंफर्टेबल है तो आपको मैं अपने अकाउंट डिटेल भी दे सकता हूँ, आप मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पे कर सकते हैं या फिर फोन पे गूगल पे ऐसे ऐप से भी कर सकते हैं। ठीक है, और फीस तो मैंने आपको दिखा दी, फीस हमारा 7500 फॉर द एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स होगा। इसमें एक और फीचर्स है, वो है फ्री रीज्वाइनिंग का, कि इन फ्यूचर में कभी भी आप अपने कोर्स को रीज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज देने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो मंडे से 9 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर मैं ऐसा बोल रहा था कि मेरे छोटे सिस्टर को सर अभी रिसेंटली